हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे पोको F1 के बारे में। तो इस पोको F1 को मैंने 3-4 दिन पहले ही परचेस किया था, लेकिन मैंने इसका कोई अनबॉक्सिंग वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट नहीं किया क्योंकि इतना कुछ स्पेशल नहीं है इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ और वीडियोज़ इसके बारे में पोस्ट करूँगा, और वैसे भी इसके अंदर जो पाई अपग्रेड है वो हमको देखने को मिल चुका है, तो उसके बारे में कुछ एक फुल रिव्यू मैं आप सबको बहुत ही जल्द 2-3 दिन के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि पोको F1 के अंदर कुछ बेस्ट एक्सेसरीज जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास भी पोको F1 है, और उन एक्सेसरीज को यूज करने के बाद डेफिनेटली आपके पोको F1 का जो स्क्रीन है और जो बैक पैनल है वो बहुत ही ज्यादा सेफ रहेगा और आपको भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। और डेफिनेटली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस डिवाइस को परचेस करने के बाद अपने इंस्टाग्राम हैंडल के अंदर कुछ फोटोज इसके पोस्ट किए थे। तो अगर इन फ्यूचर भी मैं कुछ गैजेट वगैरह परचेस करता हूं तो आपको इंस्टाग्राम के अंदर जो फीड्स है वो देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को तो हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो एक्सेसरी है जो मैंने इसके लिए परचेस किया है वो है डेफिनेटली इसका एक बैक कवर। तो बैक कवर अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि बैक कवर कौन सा परचेस करें, डिजाइनर परचेस करें या फिर प्लेन परचेस करें या फिर ऐसा टाइप का बैंड वाला परचेस करें या फिर प्लास्टिक का जो हार्ड केस आता है वो परचेस करें। तो यहाँ पे ये तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा डिज़ाइन कौन सा स्टाइल वाला परचेस करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे प्लेन जो केस होता है वो पसंद आता है, इसलिए मैंने इसको परचेस किया। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि अनबॉक्सिंग कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन ये जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ये आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी यूज़ करने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, और एजेस के अंदर जो फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो लाइट के वजह से शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रही, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी ये बैक कवर इस पोको F1 के अंदर देखने को मिल रही है। और बेसिकली इस बैक कवर को लगाने के बाद पोको का जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, पीछे की जो ओरिजिनल ब्लू कलर है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि वर्थ द बक है। और इसका जो प्राइसिंग है वो है 157 रुपीज के आसपास, और सभी एक्सेसरीज के लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये थी इसका बैक कवर। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सेसरी की बात करते हैं जो कि है यहाँ पे पोको F1 के लिए एक टेम्पर्ड ग्लास। तो टेम्पर्ड ग्लास खरीदने के टाइम पे अभी जो टाइम चल रहा है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन रहती है कि फुल 5D कर्व ग्लास टेम्पर्ड ग्लास खरीदे या फिर फुल्ली ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास खरीदे, कौन सा खरीदे। तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो 5D कर्व टेम्पर्ड ग्लास है वो वाला मैंने परचेस किया, और ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई ब्रांड से है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐसे टाइप की कुछ पैकेजिंग है और पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। और ये है कुछ इसका टेम्पर्ड ग्लास, तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ फिलहाल। और इसके साथ आपको दो वाइप्स मिलती है जो कि नॉर्मल है, सारे ही टेम्पर ग्लास के साथ आपको मिलती है। और इसको फटाफट मैं अपने पोको F1 के अंदर इंस्टॉल करता हूँ, और इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं आप सबको बोलता हूँ कि फिटिंग कैसी आई है, और आप सबके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मिलते हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद। सो दोस्तों, ये है हमारा पोको फोन F1। इसके अंदर टेम्पर ग्लास हमने अप्लाई कर लिया है, और टेम्पर ग्लास अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा टाइप का लग रहा है। और जी हाँ, डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर कुछ बबल्स देखने को मिल रहे हैं, और ये मैं बोलूँगा कि अप्लाई करने के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इस टेम्पर ग्लास को अप्लाई करने के काम पर, तो इसीलिए अप्लाई करने के बाद कुछ बबल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसको आप दुकान में जाके अच्छे प्रोफेशनल से आप इसको अप्लाई करवाएंगे तो कोई भी बबल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिछले जो मेरा फ़ोन था Asus ZenFone Max Pro M1, उसके अंदर भी मैंने इसी टाइप का टेम्पर ग्लास को इंस्टॉल किया था, और उसके अंदर भी ऐसा ही टाइप का कुछ बबल्स थे, लेकिन वो जो बबल्स थे वो 2-3 दिन के अंदर चला गया था क्योंकि मैंने रोज़ इसको ऐसे प्रेस किया और इसको हटाने की कोशिश किया, और धीरे धीरे ये डेफिनेटली टाइम के साथ चले जाएगा। तो डेफिनेटली टेम्पर ग्लास तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है, और पीछे का जो बैक कवर है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लुकिंग है, और आपके स्मार्टफोन को एक काफ़ी अच्छा लुक एंड फील ये प्रोवाइड करेगा। और डेफिनेटली फिंगरप्रिंट को यूज़ करने के टाइम पे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं
नहीं मिल रहा है और टच रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है इसको यूज़ करने के बाद। और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी भी डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी है इस टेम्पर ग्लास के ऊपर से। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है कैमरा के लिए या पे सेंसर के लिए, और सामने की जो और सेंसर्स है आयर ब्लास्टर वगैरह उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंपार्टमेंट प्रोवाइड किया है उन लोगों ने। और डेफिनेटली यहाँ पे जो नीचे LED नोटिफिकेशन लाइट है उसके लिए भी मैं आप सबको शो कर देता हूँ कि जी आप देख सकते हैं कि जो होल है LED नोटिफिकेशन लाइट के लिए वो भी काफ़ी परफेक्टली यहाँ पे प्लेस्ड है टेम्पर ग्लास के अंदर। और डेफिनेटली अगेन घूम फिर के बात एक ही आती है कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तब एक प्रोफेशनल से आप अप्लाई करवाइए तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी तरीके से अप्लाई होगी। और बाकी सब कुछ तो यहाँ पे आपके आंखों के सामने ही है, तो अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो और ये बैक कवर और ये टेम्पर ग्लास तो डेफिनेटली आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली। और साइड में और एक बात मैं बोल दूँ कि बटन के लिए जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है और बटन का जो टैक्टाइल फील है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो और कुछ तो बचा नहीं इस वीडियो के अंदर। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।